गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। तो आई हैव फ्यू एग्जांपल्स फॉर यू पीपल। आज ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा, कल फिर होगा अगला टॉपिक, चैप्टर नहीं टॉपिक की बात करूं। मेजर तीन टॉपिक है इसमें, बायर्ड सर्किट लॉ, यू कैन से फोर, देयर इज एम्पियर सर्किट लॉ एंड फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, एंड एंड में आएगा गैल्वेनोमीटर वगैरह। तो अभी इसको खत्म करें, कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। मे बी आपने क्वेश्चन कोशिश करी होगी तो कुछ डाउट्स भी हो सकते हैं, मेरे आज के लेक्चर की वजह के बाद वो डाउट्स आएंगे नहीं रहेंगे। तो दिस इज अ टॉपिक, डेट पढ़ ली, सब कुछ हो गया। ये बोर्ड में तीन नंबर क्वेश्चन प्रूव करने को भी आ सकता है। आप ड्रॉ कर सकते हैं, यूनिफॉर्म रैंक, यूनिफॉर्म में इसका सब कुछ आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है इसका, सेम रेजिस्टिविटी है, और यहां से करंट आया और यहां से करंट गया, तो बच्चों सोचो डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ होगा ना, हो सकता है यहां करंट I1 चला गया हो और यहां करंट I2 चला गया हो। तो हमें प्रूव करना है टू प्रूव नेट मैग्नेटिक फील्ड at O is zero। अच्छा प्रूफ तो करना ही है, तो याद ही कर लेना। अभी आज ने बोला कि वीडियो पॉज हुआ है, तो आपको किसी और को ये शिकायत आई होगी। अभी आज देख लो, रिकनेक्ट करके देख लो, शाबाश। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे चार चीजें देखेंगे। अगर मैं इसको बोलूं दैट इज दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, इसकी वजह से यहाँ फील्ड जीरो होगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं वन बोल देता हूँ एलिमेंट, इसको टू एलिमेंट बोल देता हूँ ये वाला और ये अलग से, और इसको थ्री एलिमेंट बोल देता हूँ, इसको फोर एलिमेंट बोल देता हूँ। तो आपको याद होगा जब हमने बायोड सर्किट लॉ किया था, कोई एलिमेंट अगर हो ना उसकी अपनी ही लाइन पे जो फील्ड है वो कितना होता है, जीरो। अब क्या बात हो सकती है, आप में से कुछ पढ़े लिखे कुछ नहीं है, फील्ड जीरो होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड जीरो आ रहा है बिकॉज इसकी लाइन पे आ रहा है। ये भी ड्राइंग जैसे मैंने बनाई है इसकी वजह से भी जीरो है। तो एट ओ थ्री की वजह से भी फील्ड जीरो है, फोर की वजह से भी जीरो है। अब बचे वन एंड टू, वन एंड टू में अब हम मैं इसको एंगल थीटा बनाने लगा हूं, थीटा वन, और इसको एंगल थीटा टू बनाने लगा। तो आर्क वाला फॉर्मूला अपनी कॉपी खोलो, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वी वन इज म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई वन, अभी मैंने आर का नाम नहीं डाला यहाँ पे, आर अपॉन आर इंटू थीटा वन। आई होप आपको याद आ गया, ठीक है कॉपी खोलो। बी टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई I2 upon R theta 2। यहाँ पे इनवर्ड और आउटवर्ड भी बताओ मुझे, इसकी वजह से आउटवर्ड और इसकी वजह से इनवर्ड। अब मैं समझाऊंगा नहीं है ना, डायरेक्शंस का आज के बाद कोई बात नहीं, ओनली इंडिविजुअल डायरेक्शन आई विल टैकल इंडिविजुअल आपके पर्सनल मैसेज के बेस पे। आई होप आपको ये भी पता चल गया ना, पैरेलल में ऐसे ये बढ़ रहे हैं। तो
अब वही काम करते हैं, दैट इज बी वन अपॉन बी टू को मैं ना डिस्कस कर लेता हूँ. That will be I1 upon I2, theta 1 upon theta 2. फिर मैं इस सारी आर्क को, ये एसएल में क्वेश्चन दिया हुआ लेकिन अपने हिसाब से देते हूँ, इसको मैं L1 बोलने लगा हूँ और इसको मैं L2 बोलने लगा हूँ, इसकी लेंथ. Hopefully आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, बिल्कुल. तो theta one को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, L1 upon R, L2 upon R. आप में से कोई ऐसा बच्चा हो सकता है लेकिन उससे फिर प्लस टू में बैठना नहीं चाहिए वैसे तो ना, लेकिन no offenses. तो B1 upon B2 is equal to I1 L1 upon I2 L2. दूसरा अब इसका नजरिया, ये इसको अगर मैं रेजिस्टेंस बोल दूं, ये मुझे एक रेजिस्टर नजर आ रहा है पूरा का पूरा, इसका नाम R2 और ये वाली रेजिस्टेंस R1 है और ये दोनों किसके हैं, पैरेलल में. रीड आउट हूं, ये आई करंट आया, यहां आई टू चला गया, यहां आर टू चला गया, यहां आई वन और यहां आर वन, ये आई. तो पैरेलल में अगर होते हैं तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम. तो नाउ इसे वन बोल देते हैं, तो यहां पे हमें क्या मिला, I1 R1 is equal to I2 R2. Let A be the area of cross section. Kiska? Of wire. Kaun si wire? Of ring. And rho is the resistivity of wire. तो मेरे पास मिला I1 into rho L1 upon A is equal I2 rho L2 upon A, right? और I1 L1 is equal to I2 L2. This is number two. अच्छा वो लिखने में ये यहां से गलती हुई मेरे से, बल्कि पहले भी करना चाहिए, ये L2 है और ये L1 है, ओ, फिर वही गलती करूं, ये L1 है और ये L2 है. ठीक है, थैंक यू प्रभु, तुमने मतलब उल्टा नहीं, वो वही आना वही यहाँ पे, ये उस वक्त लिखते हुए वन वाले को वन ही बोलो, टू सारे पीछे ठीक करो प्लीज, मैं ध्यान कहीं और चला गया होगा. थीटा वन क्या आना चाहिए अब, ठीक है, theta 1 will be equal to L1 upon R, theta 2 is equal to L2 upon R. वो मेरे से लिखने में मिस्टेक हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो अब यहाँ पे वापस आ जाओ, किसी और बच्चे को कोई गलत कमी ना हो जाए. तो रेजिस्टेंस होती है रो एल अपॉन ए, तो R1 को मैंने लिखा, अब यहाँ ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, तो रो L1 अपॉन ए, रो और ए कॉमन है,
ये रीजन था यूनिफॉर्म कहने का कि दोनों की रेजिस्टिविटी भी सेम है और एरिया भी सेम। तो अब हमारी बात खत्म हुई है। वन और टू को देखो, आई वन एल वन इसको आई टू एल टू। सो फ्रॉम यहाँ से वन एंड टू, B1 upon B2 is equal to 1 and B1 is equal to B2. उधर हमने देखा हुआ है कि एक इनवर्ड है, एक अगर आउटवर्ड है तो एक इनवर्ड है। तो इसका मतलब दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल एंड ऑपोजिट आ रहे हैं। किसी का करंट कम है तो उसकी आर्क ज्यादा है, वो बात की बातें मैंने प्रूफ ही कर दिया है। तो हेंस दे कैंसिल आउट, आप उसको नोट करो, मैं 30 सेकेंड्स के लिए हम बैक। यहाँ पे अब जो एक आध क्वेश्चन आपको करवा दूं मैं, जो गलती कोई लग सकती है बच्चों को। वो मैं और क्वेश्चन के साथ करवाता हूँ अभी आपको। एक एग्जांपल और जिसमें जीरो नहीं होगा। यस कर ही होते हैं। अगर कभी ऐसी ड्राइंग हो ये, यहां से करंट आया, यहां करंट चला गया है ना, और ये सेंटर है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो इस केस में अप्रिशिएट करो, ये मान लो यूनिफॉर्म भी गिवन है, रादर अप्रिशिएट क्या करना है, आप मुझे आंसर बताने की कोशिश करो ना। ये इन्फिनिटी, तो व्हाट इज फील्ड एट ओ, अब आपने यहां पे क्या देखना है कि अगर मैं इसको वन बोलता हूं, ये टू और थ्री तो आपस में कट मरेंगे। ओवरऑल ये जो है ना, यहां से करंट जाएगा यहां से, तो इस गोले का तो सेंटर पे जीरो जाना है, तो वन का और ये फोर के भी ये उसकी लाइन पे है। जब अपनी लाइन पे हो ना तो बी फोर जीरो, बी थ्री एंड बी फोर सॉरी बी टू कैंसल आउट। लेकिन अब ध्यान से इसको देखो, इसका जीरो नहीं हो सकता बिकॉज इसका यहाँ सेंटर पे नहीं है। तो अगर इस पे आप सभी ने यस और नो लिखना है, प्रैक्टिस अभी हुई नहीं आप लोगों की, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। देखो इधर इनफाइनाइट है, इधर एंड के सामने। कल हमने किया था ऐसे, ये एक बार टेढ़ा करने से भी ये वाला, कॉपी खोल लो, कॉपी आपके सामने होगी है ना। तो ये अगर आर डिस्टेंस है तो यहाँ पे फील्ड विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4πa लिखा होगा था तुमने, राइट? इस बार 4πr है किसी एंड के सामने, तो इसका मतलब वन के भी एंड के सामने है, तो यहाँ फील्ड जीरो नहीं है।
तो नेट फील्ड इज इक्वल टू वन की वजह से जो फील्ड है तो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर होना था, लेकिन यहाँ पे आ गया 4 पाई आर. दैट इज एग्जांपल कि आप गलती ना मान लो. अब जो नेक्स्ट एग्जांपल आपकी भी जान लगेगी थोड़ी, मेरी भी लग सकती है और ये कंपटीशन में आने लायक है. और बी रेडी कि हमें फॉर्मूले आते हैं तो फिर हम ही करते हैं. यहां भी आई करंट है, यहां भी आई करंट है, लेकिन इस बार मैं सी रास्ते में वैसे बना देता हूं और डी बना देता हूं और ये बिल्कुल सेमी सर्कल है. तो रेजिस्टिविटी इज कॉन्स्टेंट और अगर उल्टा उस पर जो मैं बोलूंगा कोई एक चीज को, बट एरिया ऑफ एसीडी वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नो डाउट राइट. एसीडी इज ट्वाइस एज दैट ऑफ एसीडी नहीं बचो एसीबी एज दैट ऑफ ADB. So you have to find magnetic field at O. पहला क्वेश्चन तो आपने ये करना है कि यहाँ एरियाज की कंफ्यूजन आ गई है तो कैंसल आउट नहीं होना. अभी तक हमने जो यहाँ किया था वापस आ जाना. अगर यूनिफॉर्म हो ना तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा जैसे मर्जी, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा इसकी वजह से फील्ड जीरो था, लेकिन उसकी शर्त क्या थी, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, रेजिस्टिविटी एज वेल एज एरिया. दोनों में से कुछ भी खराब हो गया, दोनों खराब हो गए तो जीरो नहीं होगा. तो मैं आपसे काम पूछता हूँ रादर, स्टेप बाय स्टेप टेक इट एज अ करंट का टेस्ट कि इन करंट के बारे में बताओ, आई वन और आई टू बताओ कितने होंगे इन टर्म्स ऑफ आई. निकालो जरा ढूंढना आपने I1 कितना है, I by कितना और I2 कितना है इन टर्म्स ऑफ I. अगर आपने ढूंढ लिया तो बात बन जाएगी. तो मैं आपके साथ ही रहता हूं. अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस को R1 बोल दूं, इसकी रेजिस्टेंस को R2 बोल दूं, लेंथ इसकी भी वही है, लेंथ इसकी भी वही है, बिकॉज सेमी सर्कल है. थोड़ी सी लाइफ में आसान रखेगा, थोड़ी शर्म करेगा. तो अब हमारे पास एरिया ऑफ एसीबी इज ट्वाइस. तो इसका एरिया अगर मैं ए ले लू इस ऑफ दैट ऑफ एडीबी, एडीबी का मैंने ए लिया एरिया ऑफ सेक्शन, तो इसका कितना लेना पड़ेगा 2R. आर वन विल बी इक्वल टू रो एल अपॉन, एक तो 1-2 में आज दोबारा घूम रहा जैसी, अपॉन 2 में R2 is rho L upon E. R1 upon R2 is equal to 1 upon 2. ठीक है जी. अब यहाँ पे अगर तो बोर्ड का एग्जाम है तो थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, वरना आपको ध्यान होगा इसका हम शॉर्टकट बना सकते हैं. दोनों चीजें मिक्स ना करता हुआ बोर्ड एग्जाम से चले जाते हैं, मान लो आ जाते होते हैं वहां क्वेश्चन, दोनों इकट्ठी कर देते हैं. आई यहाँ है ना, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला याद है किसी को, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्टकट याद है किसी को? गुड. पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसका करंट चाहिए दूसरे की रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे आर वन अपॉन आर टू पता है और उधर यार दिल सा नहीं कर रहे, दिल समझ रहे बात को, अपने आप ही वो आपने कर लेना होता है. तो आई वन is equal to R2 upon R, तो शॉर्टकट यूज कर रहा हूं फिर मैं, 1 upon R1 R2. कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, मैं अलग से कर दूं, मैं I1 R1 is equal to I2 R2 उसके थ्रू भी हो जाएगा. तो मैंने शॉर्टकट किसी रीजन से यूज किया कि ताकि आपको
और आर वन अपॉन आर टू कितना है, 1/2 + 1. आई वन इज 2/3 है. सिमिलरली आई वन इज 1/3 है, उसको लिख दें 2y/3. ये हमें दिल से पता क्या आवाज आ रही है कि आप अपने आप ही कर रहे हो, तो बहुत बड़ा जोर नहीं लगा ना, क्या फिजिक्स वो वाली नहीं है कि नहीं वाली बात नहीं कुछ. यस, बिकॉज यहाँ फील्ड लब दो, वन वाला नीचे को, ये ऊपर को, और बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, आई वन है ना. बी वन विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई वन अपॉन 2R और 4R है ना, सेमी सर्कल का इज इक्वल टू आई वन एस 2/3. तो चलो एक स्टेप और देख देता हूं मैं, कोई गलती ना हो जाए जल्दी में. बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 6R और इनवर्ड. V2 कितना आएगा, म्यू नॉट आई टू अपॉन 4R, म्यू नॉट आई अपॉन 12R. ओह सॉरी, इसके आगे कोई दूध चाय पीता बच्चा कुछ भी करते हैं, पर आंसर निकालो बेट. मैं सेमी सर्कल बता रखा है, नहीं बोला गया मेरे से, तो ये मैंने सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगा दिया. फुल सर्कल का बाय 2R होता है. अच्छा प्रभजोत, आपको फॉर्मूला नहीं याद हुआ था इसलिए मैंने ये, कोई बात नहीं है. तो ये कितना पता है फॉर्मूला, ये मैंने इसका लगा दिया ना. शाबाश शाबाश, गुड गर्ल. तो बाकी भी देख लो. तो फिर यहाँ पे आ गया था, तो बी नेट ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है. म्यू नॉट आई अपॉन 6R. बच्चों ये मैं मतलब आपको बता दूं कितना इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आ सकता है नीट जी में. चलो जी, इसको नमस्ते. मेरी तरफ से छोटी गलती है कि आपको मैंने फॉर्मूले आपसे पूछे नहीं है ना, आपको रिवाइज नहीं कराया मैंने. तो अगले क्वेश्चंस करने से पहले फटाफट आओ, हमारी अगली एग्जांपल यही चल रही है. बार बार इनफाइनाइट वायर की वजह से डायरेक्शन नहीं बताऊंगा बीच में, आपने ठीक है अपनी मेहनत करनी है, नहीं बताऊंगा मैं, लिख दूंगा समझाने का मतलब है. मैं अटक गया. म्यू नॉट आई अपॉन 2πr आज का लेक्चर यही है, इन्हीं पे सारी बातें हैं. म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, ये दो वायर बार बार यूज होनी है पूरे सर्कल का. इसका बाहर को ऐसे होता है, इसका फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2R, सेमी सर्कल का म्यू नॉट आई अपॉन 4R, क्वार्टर का म्यू नॉट आई अपॉन 8R, और किसी एंगल का म्यू नॉट अपॉन 4π आई अपॉन R इनटू थीटा, और थीटा भी रेडियन में.
आठ दस एग्जांपल्स में नहीं जा रहा। एक इनफाइनाइट वायर आ रही है, इसका मतलब ये टफ बड़ी आसान नॉर्मल वाली। लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाए इसके सेंटर पे पूछ रहा है और ऐसे बोलेगा कि ये और आप सिंपल है, वन की लाइन पे मतलब एट ओ बताना है। वन इसको मैंने टू बोल दिया, इसको थ्री बोल दिया, थ्री की भी लाइन पे पॉइंट ही वाला, तो वन की वजह से भी जीरो, थ्री की वजह से भी जीरो, बचा सिर्फ टू, और वो कौन है, सेमी सर्कल। अब मुझे फॉर्मूले याद हो गए हैं, वेरी गुड। और है किधर को, इनवर्ड, राइट। एक ये क्वेश्चन, ड्राइंग में थोड़ी बहुत ही कम ज्यादा होती है आपको पता ही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे गैप शो किया हुआ है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ताकि ये करंट आया, दिस विल मैटर। और यहां बोला जा रहा है एट ओ, व्हाट इज फील्ड। अब एट ओ देखोगे तो आप किसी भी प्राणी की वजह से जीरो नहीं है, और यहां भी आप दो बातें कर सकते हो, दैट इज वन, इसे वन और इसे टू बोल सकते हो, और इसे वन बोलते हो तो भी ये सेमी वायर गिनी जाएगी, इसे टू बोलते तो भी ये सेमी गिनी जाएगी, राइट। लेकिन आप ये गैप को इग्नोर कर दो तो उसे एक आप सिंगल इनफाइनाइट वायर भी गिन सकते हो, ठीक है। तो फिर ये सिंगल इनफाइनाइट वायर आ गई, और इसकी वजह से फील्ड कैसा होगा, इधर इनवर्ड, इधर आउटवर्ड, और इधर ये सारा कुछ, तो दो जने जिनकी वजह से फील्ड है, एक ही और एक ही, और ये इनफाइनाइट वायर है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं डायरेक्शन ही बताऊंगा, और अगर किसी ने मेरे से पूछी ना, अभी थप्पड़ मारूंगा उसके, वर्चुअल थप्पड़ मैंने खरीदने का ऑर्डर दे दिया हुआ, जो आपके घर आके थप्पड़ मारेंगे आपसे पेरेंट्स से परमिशन लेने के बाद। तो बी वन विल बी इनफाइनाइट वायर, इट विल बी हाउ मच, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, it will be outward, drama mein zarur karunga lekin, b2 mu not i upon 2r inward, bada ko aa dikh raha hai aapko, iske niche 2 pi hai, to ye b2 greater than b1, i hope board pe aa raha hai sab kuch, ye bilkul aa raha hai, to yahi pe kar dete hain fir, net field will be, B2 बड़ा है ना, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे और बड़े का साइन चलेगा, ठीक है। अब कोर्स आप कॉमन शॉमन निकाल के इसको कर सकते हो। अब पता है, करो मेरे पहले पूछो, मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिखू ना, एंड रेडी हो जाओ इस तरह से पहले करके छोड़ेंगे, ठीक है, उस मोड में आ जाओ। मैंने बींग ए टीचर, मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे जितनी एग्जांपल्स लगती है उतनी करवा के छोड़ूंगा आज। यहाँ क्या शो किया होता है कि फोल्ड किया होगा, और यहाँ इलेक्ट्रिकली फोल्ड देखा आपको, फोल्ड है ना, दोनों में फर्क क्या है, इसको करके ऐसे घुमा दिया था तो इसकी वजह से ऑपोजिट हो गए थे, तो यहाँ फोल्ड है, इलेक्ट्रिकल टच नहीं है। कर दो मेरे से पहले ही, कर दो फिर, और पूछा अभी भी यहां हूं मैं एट ओ, तो ये वन भाई साहब और ये टू, वन पूरी की पूरी वायर, तो मेरी मीडियम स्पीड शुरू हुई है ना, जहां मुझे लगेगा वन की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर,
और कैसा है ये आउटवर्ड? V2 कौन है? सर्कल है. म्यू नॉट आई पॉइंट टू आर एंड इट इज ऑल्सो आउटवर्ड. वाओ ग्रेट. आउटवर्ड है तो कोई रोला नहीं है. Very good. तो आपको मुझे सेमी सर्कल दिख ही रहा होगा ये, है ना? इस पॉइंट हो गए, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये करंट आ गया, ये करंट आ गया, ये करंट आ गया. मैं 30 सेकंड पॉज ले रहा हूं ताकि आप मेरे सोचने से पहले आपको डालो. ठीक है, गुड. तो V1 के बारे में ऐड हो गया यहाँ पे, हाँ? वन एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, उसे कौन सा फॉर्मूला लग गया? एंड वाला, हाफ वायर वाला, है ना? पहले तो हाफ वायर का फॉर्मूला देखे कितना है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आर, और है किधर को? किसी ने बोला समय नहीं आया थप्पड़ मारो में. ये इनवर्ड और ये सेमी सर्कल. मैं देखूं ध्यान से, मैंने तो भी गलत लिख दिया. तो ठीक, तो यहां पे आ गया म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर, और ये भी इनवर्ड. थ्री की वजह से कैसा है, इनवर्ड या आउटवर्ड बताना कुछ बच्चे? आंसर लिखेंगे थ्री की वजह से इनवर्ड है आउटवर्ड है. अच्छा, पहचान गए आप समझ रहे थे सर, है ना, कि हम इतने बेवकूफ नहीं है. बिल्कुल ठीक बोला, आप इतने बेवकूफ हो. तो नहीं बस, तो फिर तो इनको ऐड ही करना मेरे मेरे कुछ प्लस माइनस हो, छोटा बड़ा देखना होता है. अपॉन फोर पाई आर, मैं कॉमन जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि मेरे से जल्दी में लिखने में गलती कोई ना हो जाए, मेरा ब्रेन इधर यूज ना हो. आप कुछ और बातें ऐसे कुछ और भी कुछ ही, तो थ्री डी में भी बना सकता है क्वेश्चन बच्चों, तो वहां आपकी इमेजिनेशन और आपकी प्रैक्टिस काम करेगी. एंड दो सर्कुलर रिंग्स, तो एक ऐसे और एक ऐसे. यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसने अगर नहीं बताया हुआ कि कौन ना ड्राइंग बना रखी है, तो ये दो कॉन्सेंट्रिक रिंग कह सकते हैं जिनके प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एग्जांपल ये है,
तो यहाँ मोस्ट प्रॉब्ली फिगर भी नहीं दी होती, तो कोई फिगर देनी है तो उसको बताना पड़ेगा किधर से क्लॉक वाइज है, किधर से एंटी क्लॉक वाइज है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक आप लोगों पे एहसान करता हूँ कि ऑब्जर्वर को यहाँ से देखने पे ये मान लो एंटी क्लॉक वाइज दिख रहा है, तो अगर ऐसा हुआ मतलब इस ऑब्जर्वर को राइट, तो ये बी वन इधर होगा। मैं थोड़ा सॉल्व क्लियर करूं, ये जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा बेला, इसको देखने पे उसे दिख रहा है एंटी क्लॉक, उसकी तरफ आ गया, और जब ये इसको देख रहा है ना इसको, तो इसमें भी करंट चल रहा है, तो नीचे देखो ऐसा आ रहा है क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट हम आई वन चला देते हैं। आप अगेन ड्राइंग में मत जाना, उसने कह दिया ना क्या दिख रहा है तो वही मान लें, और कल का याद आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फिर अजम्पशन कर ली कि आपको याद है ना, पेपर में अजम्पशन बड़ी गलत होती है, जिधर अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो फिर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है, ऑल्दो आंसर पे फर्क नहीं पड़ना एम टेक, तो इसको देख रहे हैं आंसर पे फर्क पड़ेगा उसके लिए। तो ऐसा करते हैं, मैं मान रहा हूँ कि मैं नया क्वेश्चन बना रहा हूँ नीट का, है ना, जिसमें प्रॉपर नीट एंड जेई प्रॉपर ऐसा क्वेश्चन एक बना बन गया आज। ये क्लॉकवाइज दिख रहा है उसको, अगर ये क्लॉकवाइज दिख रहा है तो उसको फील्ड अपने से अवे, तो कल का अगर किसी को याद होगा कल ये करा करा था ना, फील्ड परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी वन होगा क्योंकि उससे अवे चला जाएगा। अच्छा दूसरी बात, अगर डायरेक्शंस की कोशिश नहीं करी उसने तो फिर डज नॉट मैटर। थैंक यू फॉर ए सब जो बिल्कुल ध्यान रखती हूँ बाकी करते हैं। तो बी टू हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा था, अगर वाइज कोई और भी होता तो ये नीचे को आ जाता, तो भी ये दोनों आपस में कैसे होते हैं परपेंडिकुलर, और नेट फील्ड दोनों का रिजल्टेंट आएगा। बी विल बी इक्वल टू बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर और नो डाउट एट सेंटर, वेयर बी वन में भी अगेन उसने आई वन आई टू दिए हुए हैं, आर वन आर टू भी चेंज कर सकता है, किसी का बड़ा रिंग कर दे छोटा कर दे, मैं वो भी ले रहा हूँ। म्यू नॉट रिंग का क्या होता है, यस टू आर वन बी टू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय टू आर टू, ये वैल्यूज होंगी आपके पास, आप स्क्वायर करके ऐड कर दोगे। ये क्वेश्चन भली भांति आप मेरे बिना भी कर सकते थे, क्वेश्चन करके फिर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट करवाना, मैंने जो इस चैप्टर का इफेक्ट अगले चैप्टर पे आएगा जो वांट टू रिमूव दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है तो एक एग्जांपल यहाँ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दो एग्जांपल बस। What is field at home? आप कर रहे हो ठीक है, आर्क वाला फॉर्मूला लगाना है आपने, ठीक है।
नोट किसी पे चेंज कर दिया। तो यहाँ की क्या ट्रिक है आपको पता होना चाहिए, यहाँ जो थीटा फॉर्मूला क्या करना है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस की बात है बच्चों। आप में तरह तरह के प्राणी है, मेरा थीटा क्या है, थीटा को किसको लगाओगे और मेरिडियन में लगाओगे, तो इसमें जो थीटा यूज होना है अप्रिशिएटेड कि आर ये है, ये वाली आर्क है, ये है ना। वो बच्चे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं वो लोग, ये थीटा है, कितनी सी बात है बच्चों, है ना। तो बहुत सारे अच्छा थीटा आप लिखोगे 270 डिग्री बात ही बनेगी, क्या ध्यान पड़ेगा थीटा बाय 2 या मतलब 2 पाई माइनस कर लेते हैं, वो आपकी अपनी अपनी एबिलिटी है बच्चों। थीटा बाय 2 तब तक यहां पे आ जाइए, यहाँ पे आप देख रहे हो दो आर्क है, एक आर्क 1 एक आर्क 2, और ये वाली जो रेडियल लाइंस है इनकी वजह से यहाँ पे फील्ड नहीं होगा आपको दिख रहा है। अब आप बड़े हो गए, मैं बड़ों की तरह अप्रोच कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है तो मैं आज कवर करवाना है, आज थोड़ी सी क्लास छोटी होगी, आई हैव सम अर्जेंट वर्क। तो 1 की वजह से फील्ड कैसा होगा इनवर्ड, 2 की वजह से कैसा होगा आउटवर्ड, और थीटा पहले ही लिख लो यार 60 डिग्री, दैट इज पाई बाय 3। तो थीटा दोनों के लिए सेम है, सिर्फ आर का फर्क पड़ना है। तो 1 भाई साहब क्या कह रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इनटू थीटा लिख दो अभी, है ना, बाद में लिख लेंगे और पता नहीं कैसे, यस इट इज एनवर्ड। बी टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन 2 आर इनटू थीटा इज आउटपुट। ऑब्वियसली कोई भी बता देगा कि B1 बड़ा है B2 से, तो मैं यहां बच्चों वाला काम छोड़ ही देता हूं। अच्छा मैंने सीधा आंसर ही लिख दिया, गलत होगा तो प्रभजोत तो बता ही देगी कम से कम ना, आप सारे सीनियर सिटीजन हो गए, गुड है। नहीं नहीं करण गुस्सा कर जाएगा, करण भी आंसर दे रहा है बीच बीच में, करण आंसर बड़े बच्चे दे रहे हैं, ऐसे ऐसी बात नहीं, ये सारे बच्चे बुरा मान सकते हैं, बुरा मत मानना मेरे यार प्लीज। लाइव क्लास में बच्चे फिर कहते थे सर नहीं नहीं कोई बात नहीं, जब आंसर देता मान के देख लो पूरा करण को याद आ रहा होगा। एनीवे वी कम टू द टॉपिक एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो भी करने जा रहे हैं, और टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सर्कुलेटिंग इन अ सर्कल। कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आती है जब ये बोलते हैं भी चार्ज मूविंग इन अ सर्कल, बिल्कुल द मोस्ट देखा है इसी नाम में झूठ ही बोल रहे हैं साइंटिस्ट। अगर वो झूठ बोल रहे होते तो मेरी और आपकी बात ना हो पाती। एनीवे लेट अस फोकस, वापस आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम कर रखा है हम लोगों ने कि ये सर्कल में मुझे चार्ज क्यों चार्ज जाता हुआ दिख रहा है, जिसकी स्पीड भी है, जिसका रेडियस आर है,
और स्पीड भी है सब कुछ से कुछ और कुछ कई कुछ बोल लेते हैं और वी इज द स्पीड ऑफ चार्ज क्यू आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल कई बार ऑब्वियस बातें भी करनी पड़ती हैं राइट ऑफ सर्कल टी इज व्हाट टाइम पीरियड और कुछ था इसका एक न्यू था फ्रीक्वेंसी दैट वाज 1 बाय टी एक ओमेगा था इट इज एंगुलर वेलोसिटी व्हाट इट कैन बी 2 पाई बाय टी ये 2 बाय न्यू राइट वंस अपॉन अ टाइम वी डिड कि दिस circulating charge is equivalent to a current. There is a current into this. ये पूरा चार्ज घूम के आता है कितने टाइम में घूम के आता है T time में. तो equivalent current is Q by T. तो इसके आगे हमारी मर्जी होती है ना current पता चल गया वैसे तो बात करें अगर बात यहाँ खत्म हो जाती है actually. हाँ बात तो बढ़ा तेरे बात अलग है करंट पता चल गया तो फील्ड भी होगा भाई साहब है ना तो फिर जनरली टी हम एक प्रेफर वेरिएबल भी मानते हैं प्रेफरेबल वी वेरिएबल को ले लेते हैं ओमेगा वेरिएबल लेते हैं उस वजह से और भी खास कारण नहीं है तो थोड़ा सा सुंदर करें टी को पुट करो 2πr / v I is equal to मुझे करो फॉर्मूला मुझे याद नहीं है तो इसलिए मैं एक बार डबल चेक मार रहा हूँ कोई बच्चा यस कर दिया सर ठीक है घबराऊंगा घबराना क्या बच्चों को गलत ना चला जाए ये दोबारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा बच्चों इस टाइम प्रॉपर बात करेंगे मैग्नेटिज्म ब्यूटीफुल कि वो सारा मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम बात करेंगे तब इस पे यस करा किसी ने कोई बच्चे ने ओके ओके कर दो ताकि मांगे चलूं Thanks a lot, my dear students. So, ये हो गया. हो जाएगा. फिर as a break, देखिए चलोगे. मैं देख लूँ थोड़ा सा. नया कभी मैं शुरू करना नहीं और as I told you, मुझे थोड़ी सी आज कोई जरूरी काम है मैं आपको काम थोड़ा और देखूं क्या हो सकता है हाँ एक तो ये मैंने मना किया था पहले तो मैं आपको होमवर्क बताई दूं ये बात एग्जाम्पल 10 से लेके करना बच्चों 26 एंड प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस उसी की सॉरी वो
1 to 15. एक ना हॉर्स है, ये करना आपने जरूर जो बताने लगा हूं मैं। पेज नंबर अगर गड़बड़ भी हुआ तो भी आप हेडिंग से पहचान लोगे सारे। थोड़े हायर नाम क्या लिखा हुआ है, हॉर्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। प्रॉब्लम अच्छा, इसके ऊपर मिक्स ना जाए। गुड है। 1 to 12 पहले 1 और 2 नहीं करना, 2 में 4 घूम रहा है। हॉर्स में 1, देन 3 to 12। अगर कहीं आ रहा है कि फोर्स ऐसे कोई नाम आ जाए उल्टे सीधे, मतलब गलती से, वैसे मैंने देख लिया। ये करना बच्चों, ये कंपटीशन क्वेश्चंस, एमसीक्यूज ये मिलेंगे आपको। सिक्सटीन इज रियली गुड। और देखो बोर्ड में भी मैं आपको थोड़ा सा ना आज पुराना डायलॉग रिवाइज कर देता हूँ कि आप में से मतलब कुछ बच्चे डिफरेंट लेवल पढ़ रहे हो गए, कहीं को बोर्ड का ही पढ़ना है, कंपटीशन तैयारी जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो लेकिन ये बताऊं कि बोर्ड का एग्जाम भी ना फिजिक्स का टफ आ जाता होता है। और अगर ये न्यूज आ जाए ना कभी कि इस बार फिजिक्स का एग्जाम टफ था, तो जो मीडियोकर बच्चे हैं जो कम तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल किनारे पे चले जाएंगे, पास होना मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे करें ऐसे अगर थोड़ा सारी पूरी की पूरी मेरे मन में, फिर भी उसके बाद एंड में मुझे कुछ और बताना पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको, तो जाके बात बनेगी, राइट। तो 3 to 12, देन 15 to 17। इसके बाद आगे एनसीईआरटी का एंड में करना इकट्ठे। आज के लिए बच्चे इतना ही है। तो प्रभजोत बेटा, आज भी वो डाउट रह गए हैं, तुमने पोस्ट भी नहीं करे वैसे, तो मुझे काम है जरूर, तो कल डेफिनेटली, लेकिन मुझे याद दिला देना फिर वही वाली बात पोस्ट करके कि सर ये क्वेश्चन नंबर रहता है। हाँ अभी नहीं, रियली सॉरी, तो 15 वाला फिर मैं एक बार अभी ना अभी ग्रुप पे डाल दे, जान उसके ध्यान आ जाएगा, बैठ के कर दूंगा। Tomorrow class, morning, evening, good night to all of you.